गाड़ी लेना जरूर जरूर शादी करने बराबर है, इससे अच्छा बेस्ट है मतलब शादी कर ले वो फायदेमंद है गाड़ी लेने से अच्छा। मेरी नजर में भाईजान कोई सी भी गाड़ी नहीं आएगी, अगर इनकेस गाड़ी आ जाती है तो उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होगा। तो आपको मेहरानी मिल सकती है 10 लाख की बजट के अंदर। अच्छा जो है ना 2007 करोला जो है वो आपको 10-12 लाख में मिल जाती है। आपके समझते 5 से 10 लाख के बजट के अंदर कौन सी अच्छी गाड़ी लोगों को मिल सकती है? 5 से 10 लाख में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, समय ज़्यादा गाड़ी के इंसान है, गाड़ी मिल जाएगी लेकिन फ्यूल एवरेज अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे अच्छा कि गधा गाड़ी ले बंदा, चलो 200-300 घास तो खाएगी अपना काम निकाल लेगा। चल बहुत शुक्रिया। पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा, समझे ना, गाड़ी लेना जरूर शादी करने बराबर है, इससे अच्छा बेस्ट है बंदा शादी कर ले वो फायदेमंद है गाड़ी लेने से अच्छा, मेरी नज़र में तो ये है। बाकी लोग क्या कहते हैं अल्लाह जानता है। आपके समझते हैं 5 से 10 लाख के बजट के अंदर कौन सी अच्छी लोगों को गाड़ी मिल सकती है? 5 से 10 लाख के मतलब लाख के अंदर तक मेरा ही सही रहेगी आज के टाइम में। जो कितना फ्यूल एवरेज दे देगी वो? इसको ऐसी है कि 14-15 का दे दिए, कभी 18-20 का दे देती है, जोरो मैदान से। अच्छा जोरो 5 से 10 लाख रुपए के बजट के अंदर भाईजान कोई सी भी गाड़ी नहीं आएगी, अगर इनकेस गाड़ी आ जाती है तो उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा होगा, इससे बेहतर ये महंगाई का ज़माना है गाड़ी नहीं ले भाई, अपने बच्चों के लिए कोई ज़मीन वमीन लेके रखें, उसकी दीवारें खिंचवा दें, क्योंकि हुकूमत ने तो ऐसी बैंड लगा दी है कि गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, ख्वाब में भी नहीं ले सकते आप गाड़ी। ठीक है भाई, आज के दौर की महंगाई के हिसाब से तो आपको मेहरानी मिल सकती है 10 लाख की बजट के अंदर। अच्छा, और वो क्या फ्यूल एवरेज दे देगी लोगों को? वो 1 लीटर के अंदर दे देगी 12 का एवरेज, सिटी के अंदर हाईवे पे देगी 1 लीटर के अंदर 16-17 का एवरेज। 5 से 10 लाख के बजट के अंदर हमें मेहरान या कल तक मिल सकती है जिसमें हम अपना गुजारा कर सकते हैं। उसका फ्यूल एवरेज कितना? फ्यूल एवरेज माशाल्लाह ठीक होता है, वो भी सही है, मकसद इंसान के लिए बर्दाश्त के काबिल है। बर्दाश्त के काबिल? हाँ जी, क्योंकि महंगा है तेल, उसके नस्बत ये गाड़ियाँ तो बेहतर है, फ्यूल के हिसाब से भी कवरेज भी अच्छा, चलने में भी अच्छी, घर के लिहाज से बहुत बेहतर। एक तो माशाल्लाह मैं चला रहा हूँ करोला गाड़ी है, मेरे पास 2007 मॉडल की है, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना 2007 करोला जो है वो आपको 10-12 लाख में मिल जाती है। अब माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है, उसकी एसी ज़बरदस्त है, लग्जरी गाड़ी है। फ्यूल एवरेज कितना है उसका? वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर एवरेज है उसकी, और हाँ अच्छे जो अगर रोड पे टापो टाप अगर जाती है गाड़ी तो 16 भी कर लेती है, सही है गाड़ी, पेट्रोल पे माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। और बड़ी गाड़ी का जो है ना उसमें ये है कि वैसे गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई है, गाड़ियाँ तो अभी 50 लाख की हो गई है, तो उसी हिसाब से 12 लाख की गाड़ी आपको मिल रही है, 50 लाख की गाड़ी के जगह काम करने वाली करोला पुराना मॉडल ये जो है ना, हाँ तकरीबन 5 से 8 तक ये पुराना मॉडल जो है ना 2008 तक ज़बरदस्त गाड़ी चली है, मैं तकरीबन 6 साल से यही गाड़ी चला रहा हूँ करोला। और दूसरा सुजुकी की जो है ना वो है खैबर 1000 सी जो है वो ज़बरदस्त गाड़ी है, वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, वो भी आपको 4-5 लाख की मिल जाएगी, उसकी एसी भी ज़बरदस्त है, अगर वो गाड़ी आपको अच्छी खड़ी हुई गाड़ी कराची में भी मिलती है, हैदराबाद में भी मिलती है, वो आपको जो है ना गाड़ी दंग में सड़ी हुई नहीं हो लेकिन अच्छी गाड़ी हो तो वो गाड़ी भी आपको सस्ती मिल जाती है, बड़ी गाड़ी की जगह 4-5 लाख के में वो सस्ती की कंपनी की 1000 वो आपको मिल जाती है। अगर कम पेस्ट वाली गाड़ियाँ चाहिए तो ये दो गाड़ियाँ ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, इसमें मजबूती बोलते हैं खैबर और करोला। खैबर और करोला।